फिजिक्स में चैप्टर नंबर वन का एक और टॉपिक पढ़ना है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। दरअसल हम पढ़ रहे हैं बेटा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले हमने मीटर रूल को पढ़ा, उसके बाद मेजरिंग टेप को पढ़ा, उसके बाद बेटा हम आज पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स को, इससे नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज को। ठीक है, तो पहले हमने मीटर रूल को पढ़ा, उसका हमने देखा कि मिनिमम रीडिंग जो मेजर कर सकता था वो बेटा मिलीमीटर्स में करता था। ठीक है, और फिर उसके बाद इंच टेप और मेजरिंग टेप, जिसको इंच टेप भी हम कहते होते हैं, तो उसको देखा वो सेंटीमीटर्स में बेटा रीडिंग्स को मेजर करता था। और आज हमने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि इससे भी छोटी वैल्यूज़ को मेजर कर पाएगा, इससे छोटी लेंथ्स को मेजर कर पाएगा। यानी कि हम ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा प्रिसीजन की तरफ जा रहे हैं बेटा, प्रिसाइज मेजरमेंट्स की तरफ जा रहे हैं और ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स की तरफ जा रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम किसी छोटी लेंथ को इजीली मेजर कर सकेंगे, हम उसको उस इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर करेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और ये अच्छी रीडिंग्स हमें कैलकुलेट करके देता है, एक्यूरेट रीडिंग्स कैलकुलेट करके देता है। तो इसलिए फिर हम आज जो पढ़ेंगे वो वर्नियर कैलिपर्स को पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर्स की डेफिनेशन क्या होगी, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी और बेटा ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखते हैं लेक्चर का फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो वो है हम वर्नियर कैलिपर को देखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है बेटा। ठीक है, ये एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके जरिए लेंथ को मेजर किया जा सकता है बेटा। ठीक है, और कितनी लेंथ को कम से कम मेजर किया जा सकता है बेटा? 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, यानी कि टेंथ पार्ट ऑफ द मिलीमीटर, टेंथ पार्ट ऑफ मिलीमीटर बेटा। ठीक है, तो ये इतनी लेंथ को हम इजीली मेजर कर सकते होते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट का up to 0.1 millimeter, और इसको सकते हैं 1/10 millimeter accurately is known as vernier calipers। ये ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या बोला? ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज, जो इस्तेमाल किया जाता है तो मेजर मेजर करने को, क्या मेजर करना बेटा? लेंथ अप टू 0.1 मिलीमीटर। कितनी लेंथ को मेजर करने के लिए बेटा? 0.1 मिलीमीटर को। 0.1 मिलीमीटर का मतलब है 1/10 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा बेटा, 10th part of millimeter बेटा, accurately, बिल्कुल सही तरीके से बेटा। ठीक है, is known as vernier caliper, is known as vernier caliper। बेटा बात समझ आ गई ना? कोई बात मुश्किल लगे तो शायद पूछ लो, समझ आती है। अब हम इसके बारे में बातें करेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, दिखता कैसा है और ये बेटा कैसे वर्क करता है, इसका लीस्ट काउंट कितना है। ठीक है, हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन समझने से पहले हम उसकी डायग्राम देखते हैं। डायग्राम हम पहले बनाई हुई है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ये पूरा वर्नियर कैलिपर है। अगर इसका स्केल और बड़ा है, मैंने इसको शॉर्ट किया है स्केल को, इसके दो जॉज नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एक और ये दो, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। ठीक है, जो ब्लू वाला जार है वो मूवेबल जार है और ये जो रेड वाला है ये किसी साहब क्या है बेटा? फिक्स जार है। बात समझ आई कि नहीं?
ये रेड वाला है, ये रेड वाला जॉ जो है इस स्केल का अटैच है, इस रेड वाले स्केल का क्या बेटा अटैच है, और ये जो ब्लू वाला है ये ब्लू वाला इस स्केल का अटैच है बेटा, ठीक है ना। और जो ब्रेड वाला है जो कि फिक्स जॉ है वो किसके साथ अटैच है बेटा, मेन स्केल से अटैच है, बात समझ आ गई। और ये जो ब्लू वाला है ये बेटा फिक्स मूवेबल जॉ है और ये किसके साथ अटैच है बेटा, वर्नियर स्केल से अटैच, बात समझ आई कि नहीं। इसे कितने जॉज है बेटा, दो जॉज हैं, एक मूवेबल और एक फिक्स जॉ, ठीक है। फिक्स जो है वो मेन स्केल से अटैच है, जो अटैच है बेटा मेन स्केल के साथ, और जो मूवेबल है वो वर्नियर स्केल से अटैच है बेटा, बात समझ आ गई ना। सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ठीक है। It consists of two jars. इधर जाते हैं मुझको मिले बेटा two jars. एक बेटा क्या है? Fixed jar. और जो दूसरा है वो क्या बेटा? Movable. बात समझ आ गई। एक फिक्स जा है और एक क्या बेटा मूवेबल जा है। जो फिक्स जा है अटैच्ड विद विद मेन स्केल, विद मेन स्केल, अच्छा ये जो आपका मूवेबल जा है ये अटैच्ड होता है इसके पास दो स्केल है ना, एक तो मेन स्केल है और दूसरा कौन स्केल है बेटा, वर्नियर स्केल, ठीक है। अब जो वर्नियर स्केल है ये वर्नियर कैलिपर नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बेटा, ये वर्नियर स्केल लिखा, वर्नियर कैलिपर्स नहीं है, ठीक है। वही पूरी जो डिवाइस बनती है वो क्या बनती है बेटा, वर्नियर कैलिपर, बात समझ आ गई ना, नहीं समझ आई, आ गई ना। अच्छा जी अब देखो जरा, तो इसके दो जार, एक फिक्स जार और एक मूवेबल जार। फिक्स जार जो अटैच है वो मेन स्केल से अटैच है और जो मूवेबल जार है वो वर्नियर स्केल से अटैच है बेटा, समझ आ गई। अच्छा जी बेटा अब यहाँ पे देखते हैं, दो जार्स हैं तो एक मेन स्केल और एक अपना वर्नियर स्केल, तो इनमें क्या फर्क है, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब जरा देखो, जो मेन स्केल है स्केल्स, कितने स्केल्स है बेटा यहाँ पे, दो स्केल्स है, कितने स्केल्स है बेटा, टू स्केल्स, ठीक है। अच्छा पहला जो स्केल है वो कौन सा बेटा, मेन स्केल, मेन स्केल, मेन स्केल बेटा ऐसा स्केल है जिसमें जो जो कि एक तो ये फिक्स है, तो ये क्या बेटा फिक्स है, ये फिक्स्ड है बेटा, फिक्स का मतलब है मूवेबल नहीं है, क्या नहीं बेटा, मूवेबल नहीं है। दूसरा बेटा इसके अंदर जो रीडिंग्स हैं, इसके अंदर रीडिंग्स जो मेजर की गई हैं वो सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स हैं, रीडिंग्स हैं वो किसमें बेटा, सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में, समझ आ गया। अब देखो यहाँ ये 0 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, इधर से लेकर इधर तक की लेंथ कितनी बेटा, 1 सेंटीमीटर, और लेकिन इस 1 सेंटीमीटर को इक्वली ब्लू लाइन्स में देखो, ऊपर वाली ब्लू लाइन्स है बेटा, ठीक है, इक्वली 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमने लास्ट टाइम मिलीमीटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर छोटे छोटे हिस्सों में तस्लीम कर दिया जाए तो एक छोटे डिवीजन की वैल्यू क्या बन जाती है बेटा, मिलीमीटर में, क्या बन जाती है, मिलीमीटर। तो ये पता चला कि ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और ये छोटे छोटे डिवीजन्स हैं, ये 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, मिलीमीटर को बेटा 1 मिलीमीटर से, यानी कि पता चला कि ये जो आपका ये जो मेन स्केल है इसमें दो तरह की रीडिंग्स हैं, सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में, बस में जाइए नहीं, सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स, ठीक है। तो ये मेन स्केल होगा और इसमें जो आपका 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर पर मुश्तमिल है, कितने मिलीमीटर से बेटा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
10 मिलीमीटर्स। यहाँ तक बड़ा मुश्किल लग रहा है, पूछ लो समझ आ गया बेटा। ये हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? मेंस के बारे में। अब हम वर्नियर स्केल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? वर्नियर स्केल क्या होता है? हम बात करेंगे बेटा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ठीक है, मेन स्केल और दूसरा बेटा वर्नियर स्केल, ठीक है। अब वर्नियर स्केल क्या है बेटा, ठीक है? अब देखो वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है बेटा? 10 डिवीजन है, ठीक है। और हर एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो है 0.9 मिलीमीटर। कितनी है बेटा? 0.9 मिलीमीटर। बेटा पास में जाएगी ना, यानी कि एक तो ये मूवेबल स्केल है, मूवेबल स्केल, ठीक है। कौन सा स्केल है बेटा? ये मूवेबल स्केल है। ये क्या था? फिक्स स्केल था। ये कौन सा स्केल था बेटा? फिक्स स्केल था। और ये कौन सा स्केल है बेटा? मूवेबल स्केल। बस में जाने, अच्छा ठीक है देखो। और इसकी जो रीडिंग्स है बेटा, इसकी जो रीडिंग है ये 9 मिलीमीटर को, 9 मिलीमीटर और मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन्स, 10 इक्वल पार्ट्स। बात समझ आ गई ना? 9 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब जरा देखो यहां से लेके यहां तक कितने, यहां 0 मिलीमीटर और यहां पे 10 मिलीमीटर। बात समझ आ गई ना? कितने मिलीमीटर बेटा? ये लाइंस काउंट करते हैं, ब्लू वाली लाइंस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइंस बनती है बेटा। समझ आ गई ना? यानी कि यहां से लेके यहां तक कितने मिलीमीटर बनते हैं बेटा? 10 मिलीमीटर बनते हैं। कितने मिलीमीटर बनते हैं? 10 मिलीमीटर बनते हैं। समझ आ गई? अच्छा अब यहां से लेके यहां तक 10 मिलीमीटर है, लेकिन ये जो हमारे जो वर्नियर स्केल के ऊपर जो लाइन लगी हुई, ये 0 यहां शुरू होती है, यहां तक जाती है बेटा। तो ये कितने कहां तक है बेटा? इस 1 तक नहीं पहुंचती डिवीजंस, 1 से पीछे वाली रीडिंग तक है, यहां तक है 9 तक है बेटा। बात समझ आ गई? यानी कि इस तरह से ये जो रीडिंग है ये वाली, इसको कहते हैं 9 मिलीमीटर। समझ आ गई? तो 9 मिलीमीटर मेन स्केल की 9th डिवीजन है। कौन सी डिवीजन है बेटा? 9th डिवीजन है ये वाली। इस 9 डिवीजन को वर्नियर स्केल ने 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कितने हिस्सों में बेटा? 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। बात समझ आएगी नहीं? तो अगर 9 मिलीमीटर को अगर 10 डिवीजन में डिवाइड कर दे तो 1 मिलीमीटर, 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी? 0.9। कितनी आएगी बेटा? 0.9 मिलीमीटर आएंगे। कितने मिलीमीटर आएंगे? 0.9 ईच। डिवीजन ऑन वर्नियर कैलिपर को मैं वीसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसे रिप्रेजेंट करो बेटा किसको बेटा? वर्नियर कैलिपर को। बात समझ आई ना? वर्नियर कैलिपर को वीसी से रिप्रेजेंट, ईच डिवीजन ऑन वर्नियर कैलिपर इज ऑफ 0.9 मिलीमीटर। 0.9 मिलीमीटर ये बेटा आपके पास एमसीक्यू बन सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। समझ आ गया? तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द वर्नियर वर्नियर स्केल क्या है बेटा? वर्नियर स्केल वीएस क्या है? अच्छा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल कितनी है बेटा? 0.9 मिलीमीटर। और बेटा जो आपकी एज के ऊपर जो मेंस के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन थी वो कितनी थी बेटा? 1 मिलीमीटर बेटा, 1 मिलीमीटर। और इसमें स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन से बेटा? 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। इसको अभी समझ लेते हैं स्मॉलेस्ट रीडिंग। बात समझ आई कि नहीं?
आगे ना समझ। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लीज काउंट क्या होता है। लीज काउंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। एक बात करें सिर्फ लीज काउंट की, और एक बात करेंगे लीज काउंट ऑफ वन ईयर कैरी पर। दोनों डिफरेंट बात करेंगे, ठीक है। लीज काउंट की डेफिनेशन करते हुए हम देखेंगे कि वो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट बेटा मेजर कर सकता है, कब एक्यूरेटली, जब उसमें कोई एरर महसूस ना हो, ठीक है। द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन ए इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली, ठीक है। वो जो आपकी स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो लीज काउंट कराती है, कहलाती है बेटा लीज काउंट। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं ये वाली साइड रेज कर दूं ना, सिर्फ लीज काउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन एनी इंस्ट्रूमेंट दैट एनी इंस्ट्रूमेंट can measure accurately is known as least count of that instrument. Least count दरअसल उस रीडिंग को कहा जाता है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सके। स्मॉलेस्ट रीडिंग जो कि एक्यूरेट कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर, फर्ज कर लो अगर हम कहें कि एक मीटर रूल है, आपको मीटर रॉड है, उसके जरिए आपने रीडिंग मेजर करनी है, उसके जरिए छोटी से छोटी रीडिंग कौन सी मेजर कर सकते हैं बेटा? 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग आप मेजर नहीं कर सकते, उससे छोटे डिवियंस उसमें मौजूद नहीं है बेटा। तो 1 मिलीमीटर उसके लिए क्या होगा बेटा? लीज काउंट होगा। बात समझ आएगी नहीं? इस तरह इंच टेप का अगर आप मेजरिंग टेप का के जरिए आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसमें आप छोटी छोटी रीडिंग मेजर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर की बेटा। तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा बेटा? 1 सेंटीमीटर से छोटी रीडिंग हम मेजर नहीं कर सकते बेटा। बात समझ आ गई ना? तो पता चला कि जो कि हम छोटी से छोटी रीडिंग मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट का कहलाता है बेटा लीस्ट काउंट। क्या कहलाता है बेटा? लीस्ट काउंट। बात समझ आएगी नहीं? अच्छा, अब हमने सिर्फ लीस्ट काउंट की ब्रैकेट पढ़ी, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अभी हमने नहीं पढ़ा बेटा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अभी हम पढ़ने लगे, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे होगा तो देखिएगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ठीक है। अब हम देखो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होगा। अब देखो सर, ये मेन स्केल है, ये कौन स्केल है बेटा? और ये कौन स्केल है बेटा? वर्नियर स्केल बेटा। पास में जाइए, ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। मेन स्केल के ऊपर छोटे से छोटी रीडिंग कौन सी है बेटा? कितनी है? मेन स्केल के ऊपर बेटा ये मेन स्केल है लिखा हुआ, स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी है बेटा? 1 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन सी बेटा? पास में जाइए, हम इनका डिफरेंस ले रहे, क्या ले लें बेटा? डिफरेंस, difference between the smallest reading on the main scale and the vernier scale, smallest reading on the main scale is known as the least count of the vernier vernier caliper. बस में जाएगी नहीं? तो हमें पता चला कि यहाँ पे the difference between smallest reading on the main scale and the smallest reading on the
ऑन द वर्नियर स्केल. Is called least count of vernier calipers. बात तो देखी नहीं. The difference between smallest reading on the main scale and the smallest reading on the vernier scale is called the least count of vernier calipers. बात समझ रहे कि नहीं? अरे स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल कितनी है बेटा? 1 मिलीमीटर. तो हम लिखते हैं यहां पे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. तो स्मॉलेस्ट रीडिंग रीडिंग ऑफ ये ऑन मेन स्केल, एमएस का मतलब मेन स्केल. ठीक है, डिफरेंस कैसे लेते हैं बेटा? माइनस कर सकते हैं. क्या करते हैं? माइनस द स्मॉलेस्ट रीडिंग on vernier scale. VS का मतलब क्या बेटा? Vernier scale. पास में जाएगी नहीं? अच्छा, smallest reading on main scale कितनी बेटा? 1 मिलीमीटर. तो मतलब ये 1 मिलीमीटर minus smallest reading on vernier scale कितनी बेटा? 0.9 मिलीमीटर. 1 में से 0.9 को माइनस कर दें, रिजल्ट कितना आएगा? 0.1 मिलीमीटर. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना आ गया? 0.1 मिलीमीटर. बात समझ आएगी नहीं? किसी को ये बात मुश्किल लगे जरा पूछ लो. समझ आ गई ना? ये तो हमें डेफिनेशन के जरिए रीडिंग निकाली बेटा. इस जरिए निकाली बेटा डेफिनेशन. द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल and the smallest reading on the vernier scale, smallest reading on the vernier scale इनका difference ले लिया, तो is called the least count of the vernier caliper. तो वो कितना आ गया बेटा आपके पास? 0.1 मिलीमीटर. बेटा पास में जाके एक और formula है बेटा, वो आपके मुताबिक उसको करते हैं. जो formula वो दिया हुआ है उसको देखते हैं बेटा. तो ये raise कर दूँ? बेटा फार्मूला फॉर लीस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर का. ठीक है, अब देखो बेटा लीस्ट काउंट का फार्मूला बनेगा कुछ तरह. एल सी इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल. बेटा ठीक है, एमएस का मतलब क्या बेटा? एंड डिवाइड करते हैं इसको नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. बेटा स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल. स्मॉलर डिविजन किसकी लेनी है आपने? मेन स्केल की. और नंबर ऑफ डिविजन किसकी लेनी है? स्मॉलेस्ट डिविजन ऑफ मेन स्केल कितनी थी बेटा? 1 मिलीमीटर. ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है भाई? 1 मिलीमीटर. डिवाइड करना है उसको किसके ऊपर बेटा? नंबर ऑफ डिवीजन और मेन स्केल. नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है बेटा? 10. वर्नियर स्केल है ना ये, तो वर्नियर स्केल की नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 10. तो 10 पे डिवाइड कर देंगे. अब 1 को 10 पे डिवाइड करने से रिजल्ट कितना आता है? 0.1 मिलीमीटर बेटा. ये लीस्ट काउंट की बेटा वैल्यू आ गया. कोई बात मुश्किल है तो जरा पूछ लो. समझ आएगी नहीं बात? अच्छा, अगर इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो 10 पे डिवाइड कर दें फर्दर. ठीक है, और अगर हम इसको देखें बेटा और करके, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. यहाँ तक कोई बात मुश्किल है तो जरा पूछ लो. समझ आएगी नहीं बात? तो ये समझ आ गई बेटा आपको? अगर मिलीमीटर में लीस्ट काउंट पूछे तो कितना? 0.1 मिलीमीटर. अगर आपको सेंटीमीटर से पूछे तो 0.01 सेंटीमीटर. समझ आएगी नहीं बात? तो बहुत मुश्किल तो नहीं लगी? तो ये अभी हमने बेटा इसको हाफ कवर किया इस टॉपिक को. इंशाल्लाह नेक्स्ट हाफ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अल्लाह हाफिज़.